यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। पौंडा साहिब के रामपुर भारापुर बहुतकनीकी महाविद्यालय में उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने 3,80,00,000 की लागत से बने भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल भी मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए विक्रम ठाकुर ने कहा कि बहुतकनीकी महाविद्यालय में 2 और कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की और इसके साथ ही इलाके में बंद पड़ी खदानों के बारे में बोलते हुए मंत्री जी ने कहा कि जल्द ही इन बंद पड़ी खदानों में उचित कदम इन्हें खोलने के लिए उठाए जाएंगे। आपको बता दें अवैध खनन पर रोक लगा दी गई है। विक्रम ठाकुर ने घोषणा की है कि जल्द ही विद्यालय में 2 और कक्षाएं शुरू की जाएंगी। सरकार की प्राथमिकता है जो आपने कहा है और जहां भी मेरे पास किसी भी प्रकार की कोई ऐसा मेरे पास कोई कंप्लेंट आती है उसके ऊपर हम एकदम एक्शन करते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप इन सारी चीज़ों के बारे में बड़े अवेयर हैं, स्पेसिफिकली आप मेरे को बताएंगे, यहाँ ना बताइए बाद में बताइए, तो उसके ऊपर पूरा एक्शन होगा। हम अवैध खनन करने वाले लोगों से के साथ उसी तरीके से पेश आना चाहते हैं। लीगलाइज वे से जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको तंग नहीं करेंगे, जो इलीगल तरीके से काम कर रहा है उसको जैसा जैसा प्रावधान एक्ट के अंदर है उसके अकॉर्डिंगली काम।